population studies can't prove a correlation between dietary turmeric and decreased cancer risk but certainly inspired a bunch of research so far curcumin has been tested against a variety of human cancers including colorectal cancer pancreatic cancer breast prostate multiple myeloma lung cancer and head and neck cancer for both prevention and treatment we'll look at some of that research next and <laughs> कैसे हमें बचाता है और हमने जो पाया वो अब हम नेक्स्ट शेयर करते हैं कि वो किस-किस कैंसर से हमें बचाता है द एंटी कैंसर इफेक्ट्स ऑफ द टर्मरिक पिगमेंट करक्यूमिन एक्सटेंड वेल बियॉन्ड इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक कार्सिनोजेंस द एंटी कैंसर इफेक्ट ऑफ करक्यूमिन मेनली रिजल्ट फ्रॉम द Multitude of ways it regulates programmed cell death. It's estimated that the human body consists of 10 or so trillion cells. That's a million, million. Almost all these cells get turned over within approximately 100 days. We're like a new person every three months. We reinvent ourselves physically. And since we're just made up of three things air, water, and food. तो कहते हैं कि हमारे जितने भी सेल्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में वो हम चेंज करते रहते हैं और इस गति से चेंज करते हैं कि तीन महीने के अंदर हम ऑलमोस्ट अपने जो टेन टू थर्टीन ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनको लगभग तीन महीने में हम पूरी तरह से चेंज कर देते हैं वो सेल्स नए आ जाते हैं क्योंकि हम मात्र तीन चीजों से बने हैं हवा पानी और भोजन तो इसमें फिर कोई तो कॉमन सेंस की बात है कि जो हम नई बॉडी बनाते हैं हर तीन महीने में वो उसमें भोजन का कितना बड़ा हाथ है तो यदि हम आज बीमार हैं तो तीन महीने तक हम क्या खाएंगे उस पर निर्धारित होगा कि हमारी नई बॉडी जो है वो स्वस्थ होगी या और बीमार होगी क्योंकि हम हवा बदल नहीं सकते पानी बदल नहीं सकते तो सिर्फ क्या चीज बदल सकते हैं भोजन तो इसमें कोई शक नहीं कि जो हम अपने शरीर में डालते हैं वही चीज जो है हमारी सेहत को निर्धारित करती है तो कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है हर तीन महीने में जो नई बॉडी बनाती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ वही है जो हम भोजन के माध्यम से अपने शरीर में डालते हैं जब हमारा रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थ है जिससे हमारी बॉडी बनती है तो फिर खाद्य पदार्थ पे ही हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी कैसी हो ये हमारे हाथ में है और सिर्फ खाद्य पदार्थ को चेंज करके हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं Our mouths are like the access road to the continual construction site to our body trucks roll in three times a day what do we want them to deliver some shoddy cheap stuff we scrounged around for or bought at the discount outlets it's just going to fall apart or do we want to build our foundation solid? we are each walking around inside the greatest known architectural structures in the universe so they say construction trucks come in form जो हम भोजन करते हैं दिन में तीन टाइम और वो लोडेड होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी भोजन से तो ये हमें निर्धारित कोई सड़ा गला बेकार या सबसे पौष्टिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सबसे फौलाद जैसा मजबूत जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रखेगा तो ये निर्णय हमारे अपने हाथ में है Let's not... Ruin such grand blueprints by consuming junk. Anyway, we only own the biological real estate we're born with, so if we need to rebuild every three months, we also need a wrecking crew, right? we're replacing 10 trillion every hundred days, that means we have to kill off like 100 billion cells every day, normally. So if we three months, our cells. तो ना सिर्फ सेल्स को बनाने की प्रक्रिया हमारी बॉडी में सुचारू रूप से चलनी चाहिए सेल्स को मारने की और उन्हें रास्ते से हटाने की जो पुराने सेल्स हैं उनको रास्ते से हटाने की प्रक्रिया का काम भी हमारा सुचारू रूप से चलना चाहिए क्योंकि जब तक मलबा हटाने की प्रक्रिया नहीं होगी वहां बिल्डिंग कैसे बनेगी तो ये दोनों काम साइड बाय साइड बॉडी में अगर सही रूप से चलेंगे तभी हम हेल्दी रह पाएंगे Cell death. The... और ये जो प्रक्रिया होती है सेल्स को पुराने सेल्स की को खत्म करने की हटाने की इसको ए पॉपटोसिस कहते हैं ये होती है सेल एक निर्धारित समय तक जब सेल रहा जब सेल बूढ़ा हो गया तो उस सेल को म, मरना जरूरी है नहीं तो वो बूढ़ा कमजोर सेल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और वो अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाएगा तो प्रक्रिया जैसा कि हमने सोरियासिस में देखा था कि सेल्स बनते तो बहुत तेजी से हैं स्किन कंडीशन जो सोरियासिस होती है लेकिन जो पुराने सेल्स हैं वो मरते नहीं है तो एक के ऊपर एक सेल्स जो हैं वो पाइलअप होते जाते हैं तो इस तरह का हमारी त्वचा में एक तरह का उभार आ जाता है ए, वो एपोप्टोसिस ठीक से नहीं हो पाती उसी तरह से कैंसर सेल्स होते हैं कैंसर सेल्स डिवाइड तो होते रहते हैं लेकिन कैंसर सेल्स को कब सही समय पे खत्म होना है मरना है वो प्रक्रिया उनकी चली जाती है वो एपोप्टोसिस नहीं हो पाती तो कैंसर बढ़ता जाता है तो ये एपोप्टोसिस भी बेहद जरूरी है शरीर के लिए From the Greek tosis meaning falling and apo meaning away from. So it's our cells falling away from our body. For example, we all used to have webbed fingers and toes. Literally, each one of us in the womb until about four months. Then apoptosis kicks in, and the cells in the webbing between in between kill themselves off to separate our fingers. Some cells in our body overstay their welcome, though, like cancer cells. They don't die when they're supposed to. तो कैंसर सेल जो होते मरते नहीं है वो डिवाइड करते जाते हैं करते जाते जो उनके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जो जीन्स है वो ऑफ हो जाती हैं और कैंसर सेल की डेथ जो होनी चाहिए थी किसी भी नॉर्मल सेल की एक अवधि होती है शरीर में वो एक समय के बाद मर जाता है वो प्रोसेस कैंसर सेल का बंद हो जाता है इसलिए कैंसर सेल डिवाइड करता जाता है करता जाता है और बढ़ता जाता है just so you can see the complexity fas is a so-called death receptor which activates the fas-associated death domain along with death receptor 5 and death receptor 4 fad then activates caspase 8 which ignites the death machine and kills the cell where does curry powder fit into all this in cancer cells, curcumin, the pigment in the spice turmeric that makes curry powder yellow, upregulates and activates death receptors, as has been demonstrated in human kidney cancer cells, as well as skin cancer, nose and throat cancer. Can also activate the death machine directly, as has. very complex, and level. Cancer cells which don't die, that lose their mechanism of self-destruct, us mechanism is on again. This is how cancer cells start This has been shown in lung cancer and colon cancer. Caspases are so-called executioner enzymes that, when activated, destroy the cancer cell from within by chopping up proteins left and right, kind of death by a thousand cuts. And that's just one pathway. Here's all the other ways curcumin can affect apoptosis. Here's the, all the different types of cancer cells curcumin can kill. Uh, but it tends to leave normal cells alone for reasons that are not fully understood. Overall, this review showed that curcumin can kill a wide variety of tumor cell types through diverse mechanisms. And it's because curcumin can affect numerous mechanisms of cell death at the same time it's possible that cancer cells may not easily develop resistance to curcumin-induced cell death like they do to most chemotherapy. furthermore, its ability to kill tumor cells and not normal cells makes curcumin an attractive candidate for supper, can't make money on some spice you can buy anywhere, an attractive candidate for drug development. <laughs> कैंसर सेल से जो है वो लड़ती है अलग अलग तरह के कैंसर सेल्स के ऊपर हल्दी का बहुत ही घातक प्रभाव होता है हर तरह के कैंसर सेल्स को ये मारती है क्योंकि ये किसी एक रास्ते से काम नहीं करती ये बहुत अलग अलग तरह से काम करती है क्योंकि वो अलग अलग दशाओं से कैंसर सेल पे अटैक करती है तो कैंसर सेल जो है वो हल्दी के प्रति रेजिस्टेंस नहीं बना पाता हल्दी जो है अपना काम करती रहती है तो अगर किसी को भी कैंसर है या आप जानते हैं किसी को कैंसर है तो उन्हें दिन में क्वार्टर से आधा चम्मच हल्दी लेनी चाहिए जिसमें एक चुटकी काली मिर्च डालनी चाहिए क्योंकि काली मिर्च जो है वो हल्दी का प्रभाव दो हजार प्रतिशत बढ़ा देगी तो ये बहुत जरूरी बात है और अपने घर में भी जब आप हल्दी जहां रखते हैं मसालेदानी में उसमें थोड़ा सा काली मिर्च पहले ही हल्दी में मिला दें ताकि आप जब भी हल्दी का प्रयोग करें काली मिर्च डालने का अवसर बिल्कुल नहीं खोना है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी